धारा 370 को हटाने और सेक्शन 35 ए को हटाने को सही ठहराया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और इससे यह भी सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को गीता की तरह पूछती है। वो संविधान सम्मत कार्य करती है। इससे ये भी सिद्ध हुआ कि जनसंघ के समय से जो हम मांग कर रहे कि कश्मीर में धारा 370 हटाई जाए, जिसको लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ और हम कहते रहे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, यानी पार्टी की जो विचारधारा है, जो विचारधारा रही इस बारे में, उस पर भी मोहर लगी है, उसको भी संविधान पीठ ने ठीक माना है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। मैं तो ये कहूँगा, हालांकि न्यायालय ने जिन्होंने अपील लगाई थी उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनको अपने बारे में जिन जिन लोगों ने ये लगाई और इसका समर्थन किया, उनको अपने लिए कोई ना कोई सजा निर्धारित करनी चाहिए। चाहे एक घंटा हाथ खड़े करके निश्चित समय पर वो करें, लेकिन उनको अपने लिए कोई ना कोई सजा निर्धारित जरूर करनी चाहिए। नहीं, इसमें कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, तो उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए।